हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आजकल की जो हम लोगों की लाइफस्टाइल है, जो स्ट्रेस लेवल है एंड हम लोगों की जो स्क्रीन टाइमिंग है, उसके वजह से डार्क सर्कल्स, पफी आईज, ये सब बहुत ही नॉर्मल हो गया है। सो आज के वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे 3 DIY शेयर करूँगी जो कि बिल्कुल डुएबल है एंड आई एम श्योर ये 100% आपके ऊपर वर्क करेंगे अगर आप इसको सिंसियरली फॉलो करें तो। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स जंप टू द वीडियो। सर्कल्स, पफी आईज, ये सब किस लिए होते हैं? सो इन सब की जो रीजन है मैं ऑलरेडी एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, उसके लिंक आई बटन पर है एंड डिस्क्रिप्शन पर है, आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। लेकिन जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए मैं थोड़ा सा एक शॉर्ट ब्रीफिंग दे देती हूँ। सबसे बड़ा एंड कॉमन रीज़न ये है कि लैक ऑफ स्लीप। हाँ, आजकल हम लोग बहुत ही कम सोते हैं और अगर 6 से 8 घंटा सोते भी हैं प्रॉपर टाइम पर नहीं सोते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जो बोल रही हूँ, मैं बहुत जल्दी सो जाती हूँ एंड बहुत टाइमली सोती हूँ एंड टाइमली उठती हूँ। मैं भी लेट नाइट तक काम करती हूँ एंड लेट नाइट सोती हूँ, तो इसके वजह से मुझे भी डार्क सर्कल के इश्यूज हैं। एंड नेक्स्ट रीज़न इज स्क्रीन टाइम, चाहे वो मोबाइल पर हो या फिर लैपटॉप हो, आपके काम के वजह से स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, इसके वजह से भी डार्क सर्कल्स आते हैं। इरेगुलर लाइफ साइकिल भी एक बहुत बड़ा रीज़न है डार्क सर्कल्स एंड पफी आइज़ के लिए। ये 3 मेजर रीजन्स को छोड़कर आप जेनेटिकली किसी को डार्क सर्कल के इशूज है तब भी आपको डार्क सर्कल्स आ सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से भी डार्क सर्कल्स आ सकते हैं। जल्दी से मैं आप लोगों के साथ वो 3 DIYs क्या है शेयर कर लेती हूँ। एंड हाँ, ये तीनों DIYs मेरा इनोवेशन नहीं है एंड इन तीनों DIYs को मैं YouTube से ही सीखी हूँ एंड मैं अपने रूटीन में इसको फॉलो भी करती हूँ। फर्स्ट DIY जो है वो बहुत ईजी है, इसमें आपको कोई भी इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए। ये एक सिंपल फेस योगा है, आप इसको फेस योगा बोल सकते हो या फिर फेस एक्सरसाइज बोल सकते हो। सो इस DIY में आपको क्या करना है, आपको अपने मुंह में सिंपली पानी भरना है एंड फेस जितना टाइट हो सके उसी हिसाब से पानी भर के आपको मुंह को पाउट करना है, जैसे मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ। इसको आपको 1 से 2 मिनट रखना है। 1 से 2 मिनट के बाद आप चाहे तो उसको उस पानी को पी सकते हैं या फिर आप इसको फेंक सकते हैं। सो ये सिंपल एक्सरसाइज करने से आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, आप अपने मुंह में पानी भरेंगे तो आपके फेस मसल्स में थोड़ा सा पेन होगा। सो ये सिंपल एक्सरसाइज आपके फेस को टोन करने के साथ साथ अगर आपके फेस पर रिंकल्स है, फाइन लाइन से, उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है एंड ऑफकोर्स आपके डार्क सर्कल्स को भी रिड्यूस करने में हेल्प करेगा एंड अगर आपके आईज सनकिन आईज है उसको भी ये रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। सो है ना ये अमेजिंग DIY। दिन में 2 बार फॉलो करें या फिर दिन में 1 बार फॉलो करें, जैसे आपकी मर्जी। नेक्स्ट DIY आपके आंखों को इंस्टेंट रिलैक्स करने में एंड अगर आपको पार्टी जाना है, आपके आईज बहुत ही पफी लग रहे हैं, तो उस टाइम पर ये DIY बहुत काम आएगा। सो इस DIY में आपको लेना है 2 ग्रीन टी बैग्स। सिंपली ग्रीन टी बैग को क्लीन पानी में डिप करके उसको रेफ्रिजरेटर में रखना है, इसको बिल्कुल भी आइस चैम्बर पर मत रखना एंड 1 से 2 घंटा आप चाहे तो इसको रात भर रखने के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिर से इसको निकालने के बाद आंखों पर रख के एकदम से रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स होकर सो जाइए 1-2 घंटे के लिए। उसके बाद आप खुद ही देखना कि आपको अपनी आंखों में कितना ज़्यादा फ्रेशनेस फील होगा एंड आपकी आंखें डीप अप भी हो जाएंगे एंड एकदम फ्रेश लुक देंगे। ग्रीन टी बैग को इंस्टेंटली इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज आपके डार्क सर्कल को रिड्यूस करने के साथ साथ आपके पफी आइज के इश्यूज को भी सॉल्व करेगा। सो लास्ट बट नॉट द लिस्ट DIY, ये DIY वर्क करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको रिजल्ट देखने के लिए थोड़ा सा वेट करना होगा। DIY में आपको लेना है 1 लेमन
लेमन एंड थोड़ा सा टमाटो जूस, 1 teaspoon लेमन जूस एंड 1 tablespoon टमाटो जूस को मिक्स करके अपने अंडर आईज में इसको लगाना है। आप चाहें तो इस मिक्सचर को फ्रिज में रख सकते हैं नेक्स्ट टाइम यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट टाइम मतलब दिन में एक ही बार उस मिक्सचर को यूज़ करें, नेक्स्ट डे इसको यूज़ करने के लिए मत रखना। सो दिन में इसको 2 बार अप्लाई करें जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिल जाता। सो एज यू नो लेमन में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ है, ये विटामिन सी की एक सोर्स है कि डार्क सर्कल्स को रिड्यूस करने के साथ साथ अंडर आइज को लाइटन करेगा। एंड टमाटो में एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज भी है एंड ये भी विटामिन सी की सोर्स है। ये अंडर आइज के स्किन को टाइट करने के साथ साथ डार्क सर्कल्स पफी आइज को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। गाइज इन तीनों DIYs को आप फॉलो करें। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपको 2 दिन में ही एक मैजिक सा दिखने लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी DIY वर्क करने के लिए आपको सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छे से डाइट को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी क्रीम या फिर कोई भी DIYs बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं जब तक आप अंदर से हेल्दी ना हो। तीनों DIYs को ज़रूर ट्राई करें एंड मुझे कमेंट करके बिल्कुल बताएं कि आपको ये तीनों DIYs काम करें या नहीं करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छा लगा है देन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना एंड लाइक कमेंट एंड शेयर करे बगैर बिल्कुल भी मत जाना। एंड हाँ, साइड में जो छोटा सा बेल आइकन है उसको भी हिट कर देना सो दैट जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।